एक दूसरे को काटने में लगता है कि इसको काट दूं तो मैं आगे मेरा चेहरा बन जाए, तो ये इस प्रकार की बातें चलती रहती है। वास्तविकता किसी से छिपी नहीं रहती, और आपसे तो कुछ बात छिपी नहीं हो सकती कि कौन कोई कहीं है बड़े बंदी में, सब खुले घूम रहे, मुझे तो कहीं ऐसा नजर नहीं है। हाँ, आपके जो पंचायत राज और नगर पालिका उसमें तो जरूर बड़े बंदी सुनते, पर ऐसा अभी विधायकों का अभी कहीं सुना नहीं है कि बड़ा बंदी है, किसी को इकट्ठा किया है या एक जगह कहीं रोक रखा है, ऐसा कहीं सुनने में देखने में नहीं आया। लेकिन ललित मीणा जी की तरफ से ऐसी कोई बात कही गई थी कि किसी सीकर रोड पर कोई कैमरा जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, तो आपका कैमरा हर जगह पहुंच जाता है। ऐसी बातें छिपी नहीं रह सकती कि कोई अलग से कोने में डाल के बैठ जाए कोई, ये तो एक कोई डब्बी तो है नहीं, डब्बी में कोई विधायक आ जाए, सब आपके सामने प्रदेश कार्यालय आए, सब खुले घूम रहे हैं, जो जहाँ ठहरा हुआ है सबके सामने। मुख्यमंत्री के नाम को लेकर कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं, कई नाम जो है वो सामने आ रहे हैं, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की भूमिका को किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, भूमिका हमारे ये है कि ये हकीकत है कि हम वो समय देखते थे सुखाड़िया जी के टाइम में, उस समय तो होता था कि किसके साथ कितने विधायक, तब उस हिसाब से फैसले होते थे। अब सब कुछ इस प्रकार से तय कर दिया हर पार्टी के अंदर कि पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व तो है, वो आपस में सलाह करता है, फिर विधायकों से पूछताछ की जाती है, तो उसमें जो भी चेहरा आएगा बिल्कुल सही होगा। और ये निर्णय तो पहले भाई किसी के सामने आता नहीं, हाँ कयास लगा रहे, कोई देखता ये आएगा, हर समय आपके पास नई सूचना आएगी। जी आप किसी सीएम देखना चाहते हैं? मुझे बना दे तो ज्यादा बेहतर है यार। मैं भी उम्मीदवार हूँ, पर अब विधायकों से शायद चुनेंगे इसलिए हमारा नंबर आने वाला नहीं है। राजस्थान में मुख्यमंत्री आगे गैंगवार चल रहा है, उस गैंगवार आज एक सोशल मीडिया पे पोस्ट की है रोहित गोदारा ने कि देवो के लोग इस प्रकार के मामले सुलझाते हैं। रोहित गोदारा एक सोशल मीडिया पे पोस्ट किया जो सर संदीप गौगा मेडिकल हत्याकांड हुआ है ना, उसको जोड़कर कहा है कि इस तरह के मामलों में वैभव गहलोत इस तरह मामले सुलझाते आ रहे हैं। गैंगवार सीएम के बेटे वैभव गहलोत ही मेरे ना तो ध्यान देता हूँ ना, मेरे नाम ही ऐसे कभी कभार सुनता हूँ जी। राजे की भूमिका फिर सवाल वही है कि आप किस तरह देखते हैं? देखिए, वो एक आपके सबके सामने बहुत वरिष्ठ नेता है, मुख्यमंत्री रही है, केंद्र में मंत्री रही है, तो उनका अनुभव तो है ही, पर ये आप अलग जाके कोई लॉबिंग कर रहा हो ये यहाँ नहीं है। हाँ, कांग्रेस में हो सकता है, अन्य पार्टियों में हो सकता है, लेकिन वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कहीं नज़ारा आपको सामने नहीं आएगा। और आप निश्चिंत रहिए, प्रदेश के हित में, आम जन के हित में फैसला आएगा। बहुत बहुत आभार।